देखें तो इसका छाती है 44 और कमर है 38, लंबाई है 31 और शोल्डर है 20, 26.5 इंच इसका बाजू है और 17 इंच इसका गला है, ठीक है। और ये साइड चेक है, तो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो पहले आपने यहाँ से 1.25 इंची का एक निशान लगाना पड़ेगा, एक किनारी जो है छोड़ करके, उसके बाद में लाइन को सीधा लगाना है। सीधा लगाने के बाद में नीचे आपको निशान लगाना पड़ेगा, उसके बाद में 2 इंची का जो दबाव होता है नीचे घेरा का, ये 2 इंची लगाना पड़ेगा। इसके बाद में लंबाई जो है वो इसका 31 इंची लंबाई है, तो ये 31 हो गया, प्लस 1/2 इंची सिलाई भाग देंगे, 31.5 के ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ से उसके बाद में आपको इसका 42 के हिसाब से इसका मुंडा काटना है, ठीक है। तो 42 के हिसाब से काटेंगे तो आपको डाउन कितना करना पड़ेगा, 10.5 इंची। तो इस जगह से 10.5 इंची करेंगे, उसके बाद में आपको 1.5 इंची ऊपर एक निशान लगाना पड़ेगा, और यहाँ से 10.5 के आधा जो है 1.25 इंची निशान लगाएंगे, और 1.25 का 2.5 इंची एक लाइन। उसके बाद में कमर का जो सेंटर, जो मेजरमेंट लेते हैं, तो मेजरमेंट लेने के टाइम में कमर का जो सेंटर होता है उसको आपने देखा हुआ है, तो उसको आपको निशान लगाना है 17.5 इंची के ऊपर। कोट का सेंटर जो है कमर का, जैसे भी लेना है, उसके बाद में ये आपका आपको आर्मोल इसी से कट इन करना है। ये आपका बाजू चढ़ाने का जो सेंटर होता है बैक का, ये वो वाला मारीक है, ठीक है। इस मारीक को आपको ध्यान में रखना है बैक। और ये हो गया, आपको डाउन करना है मोंडा, जो डाउन करना है कितना डाउन किया हुआ इससे पता लगता है, ठीक है। ये मोंडा डाउन करने का पता लगाने का हो गया, से मैं कितना इंची पे डाउन किया हूँ। और ये आपका बाजू चढ़ाने का हो गया, बाजू इसमें कितना, यानी ज़्यादा करके बाजू आपका ऊपर चढ़ाने के टाइम में मारी जो ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, उसके बाद में आपको बाजू लगाने के टाइम में आपका जो बाजू जो होता है ना वो पीछे मेरा बाजू जा रहा है या आगे बाजू जा रहा है, यहाँ से आपको क्लियर ही पता लग जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ से 1/4 इंची जितना एक निशान लगा देना है, इसको भी। उसके बाद में इस तरीके से ये चाहे आप इधर रखें या ये चाहे उधर रखें, बात एक ही होता है, ठीक है। यानी घेरा जो है ये ऊपर का हो गया, शोल्डर का हो गया, और ये नीचे घेरा का हो गया था। कितना आदमी क्या करता है, जो घेरा वाला होता है वो नीचे रखते हैं और जो शोल्डर वाला होता है वो ऊपर रखते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे आपको कट इन करने में है जो, जब सामना कट इन करेंगे तो मारिक जो ना उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये सीधा करते हैं, फिर उसके बाद में वो वाला सामना भी सीधा करते हैं। आपको कट इन करने में बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है।
अब इसका शोल्डर जो है 20 इंची है, तो आपको यहाँ से 20 इंची लेना है, यानी 10 इंची हो गया प्लस हाफ इंची सिलाई भाग हो गया। अब इसका जो मैंने बैक का नाप लिया हुआ था, जो बैक विथ होता है ना, पीछे जो नाप करते हैं, जो शोल्डर के नीचे नाप करते हैं, हाफ भी नाप करते हैं, फुल भी नाप करते हैं, तो उसको मेरा लिखा हुआ है, मेरा 9 इंची लिखा हुआ है। तो यहाँ से मेरा 9 इंची हो गया प्लस यह हाफ इंची सिलाई भाग हो गया। तो मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर आपको बैक विथ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जो है ना, आपका कोट जो है ना बैक से यानी शोल्डर के नीचे जो है ना लूज़ हो जा रहा है, तो आप मेरा मेजरमेंट देखें, ताकि आपको जो है ना वो ये पार्ट लूज ना हो। आपको एक एक चीज़ मैं बताया हुआ हूँ, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा ये जो यहाँ पे लूज होता है या टाइट हो जाता है या मुंडा आपका फंस जाता है या ज़्यादा ये आपका छोटा हो जाता है, इस चीज़ का मैं बहुत ही आसान आसान तरीके से मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आप सब वो वीडियो तो ज़रूर देखें, और इसको भी देखें कि मैं कितना के ऊपर ये कटिंग कर रहा हूँ। तो मैं अगर नापी में आपको प्रॉब्लम हुआ, तो आपका कटिंग जो है ना कभी भी सही नहीं होता। नाप पहले अच्छा तरीके से लेना सीख ले, उसके बाद में कटिंग करे, आपका कभी भी अल्टर नहीं आएगा। तो यहाँ से आपने ये 9.5 इंची है, तो 1 इंची कम करके 8.5 इंची पे लगाना है, और यहाँ पर भी, और ये 1.5 इंची, यहाँ से ये आपका साइड चाक जो होता है ना उसके लिए, तो इसका साइड चाक 8 इंची हम खोलेंगे, और यहाँ से, और इसका गला जो है 17 इंची है, तो 3.5 इंची रखेंगे, और उसके बाद में ये जो है आप गला का बैक का टिक्का कटिंग करेंगे। ये टिक्का जो है ना कटिंग कर दिए। अब आपको बैक जो तैयार आ रहा है यहाँ पे, वो 9.5 इंची आ रहा है, और ये आपका 8.5 इंची आ रहा है, और यहाँ पे 9 इंची आ रहा है, ठीक है, 9.5, 8.5, ठीक है। आ इसका शोल्डर जो मैं बता दिया हूँ कि शोल्डर का जो यहाँ से डाउन करना होता है, आप ऊपर से भी डाउन कर सकते हैं, नीचे से भी डाउन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है ये डाउन करने का। तो इसलिए आपको ये सेंटर में निशान लगाते हैं, ये आपका बाजू चढ़ाने का जो सेंटर, आप भी कटिंग करते हैं तो ये वाला मार्क ज़रूरी लगाते हैं, ताकि आपका बाजू का जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है आपको सेंटर मालूमात होने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी मैं बता दिया हूँ। अब इसका जो कोट जो है ना वो डबल ब्रेस नेपेल भी है, और डबल ब्रेस का कोट भी है, साटन भी है, तो उस चीज़ को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप पहले बैक देखें कटिंग, उसके बाद में फ्रंट देखें, फिर मैं बाजू भी बताऊंगा आपको पूरा ए से जेड तक। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे नए चैनल पे हैं, तो आप सब मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, और लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी और को भी ये पता चल सके। आपकी एक शेयर करने से किसी का भला हो जाए, वो आपको अगर ज़रूरत नहीं है कहीं उसको ज़रूरत हो तो वो देख सके और सीख सके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब शेयर ज़रूर करें। तो आपको ये कटिंग करके मैं दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से जगह पे मार्जिन रखना है। ये साइड में भी 1 इंची का लगभग
ये इधर 1 इंच का दबाव देते हैं, नीचे 2 इंची हो गया और ये 1.5 इंची हो गया। ज़्यादा मार्जिन नहीं देना, 1.5 इंची बहुत है। जैसे मैं इसका फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ आपको, ये क्यों इतना रखते हैं। जैसे आपको मैं ये यहाँ पे मार्जिन रख लिया, ये मार्जिन रख लिया, आपको साइड जाके इसे बनाने में आसानी होगा, ठीक है। सिलाई तो आपको एक पर ही आएगा, लेकिन ये जो मार्जिन है इस जगह पे आपने 1/4 इंची एक लाइन जो दिया हूँ, ये क्या होता है, बाजू जब चढ़ाएंगे ना तो बाजू ये यहाँ मारिक जो है ना, मारिक के अंदर से बाजू चढ़ाएंगे, ये क्या होता है, मार्जिन ही रखते हैं हम लोग। मार्जिन इसलिए रखते हैं कि आप मेजरमेंट लिए हैं, अगर मिस्टेक हो गया है तो लगभग ये 1/2 इंच जितना आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है, आपका मेजरमेंट सही है, तो कटिंग करने के टाइम में आपने 1/2 इंच बढ़ा दिया, लेकिन जब ट्राई होगा तो ट्राई के बाद में अगर शोल्डर सही है तो फिर इसके बाद में मार्जिन जो है ना ये कटिंग हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मार्जिन देते हैं, ठीक है। और ये टीक का भी, आपने टीक का भी जो बैक होता है ये यहाँ पे पूरा अच्छा तरीके से निकाले, थोड़ा सा नहीं निकाले, 1/4 इंच नहीं निकाले, लगभग 1/4 इंच निकाले, जो बैक में ये यहाँ पे फूलता है ना वो नहीं फूलेगा आपको, ठीक है। और जब यहाँ पर भी ऐसे होता है, जब ज़्यादा पीस होता है ना, जब नॉर्मल आप खड़े रहेंगे तो यहाँ पे फूलता है, ठीक है। तो आपको ये नाप ले लेंगे, उसके बाद ये पूरा फिनिशिंग हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखने में भी बैक से फिनिशिंग आएगा, ठीक है। तो आपको अगर मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम है तो मैं शर्ट का भी और कोट का भी और पैंट सफारी ये सब चीज़ का मेजरमेंट लेने का तरीका मैं बताया हूँ वेस्ट कोट का, तो आप वो वीडियो देखिए, आपको पूरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आप कटिंग करेंगे तो आपका कटिंग अल्टर नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं इसको फ्रंट कटिंग कर रहा, तो आप फ्रंट कटिंग देखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए, ओके, बाय।